हेलो गाइस, मैं हूँ योगेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जाली की डिज़ाइन, ठीक है। क्योंकि जाली ऐसा कंसेप्ट जो है ना, एक बिगनिंग कंसेप्ट है और बहुत से स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम जो आती है वो इसी में आती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लेवल तक वीडियो जो है वो जाली से रिलेटेड ही बनाऊँ, ठीक है। तो क्या है कि स्टूडेंट थोड़ा प्रैक्टिस कर सके और जो नए लोग जो वीडियोस जो देख रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से समझ सके कि जाली डिजाइन बना दिए तो किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि जाली डिजाइन एक रेगुलर कंसेप्ट है, ठीक है, हर जगह ये काम चलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न वही है कि लोगों को मैं जो उनको जो बेसिक जो प्रॉब्लम जो आ रही है, ठीक है, उनका मैं वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। तो देखते हैं आज किस टाइप की अपनी जाली बनाते हैं। तो एक रैंडमली अपन इमेज ओपन करते हैं, डेस्कटॉप में आर्ट कैम ट्रेनिंग, ठीक है। तो एक ये टाइप का सपोज रैंडमली अपने पास इमेज है, ठीक है। अगर सपोज ये टाइप का अगर इमेज है, ठीक है, तो एक बार जो भी अपना साइज जो देना है, ठीक है, वो अपन ने साइज दिया यहाँ से, फिर एमएम है तो एमएम, इंच है तो इंच, ठीक है। बट ऐसा मत कीजिए कि इंच करके आपने कर दिया ओके, तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट करेगा। जब आप टूल पाथ बनाने जब जाओगे, ठीक है, तो 8 mm का टूल अगर आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है तो वो इंच में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ऐसा अगर कुछ डिजाइन है तो वहाँ पे भी अपने को प्रॉब्लम फेस करना, ठीक है, उसमें क्या कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं प्रिफेयर वही करता हूँ कि अगर इंच में अपना साइज है, ठीक है, एक बार इंच लिखो फिर एमएम पे क्लिक करो तो एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब यहां पे अपन करते हैं ओके। अब ये टाइप का अपना एक डिजाइन है, ठीक है। अगर ये डिजाइन को अपन गौर करके देखें, ठीक है, तो इसमें जो अपने को जो दिख रहा है वो एक राउंड टाइप का अपने को एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। और इससे पहले अपन ने जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाया था, ठीक है, अगर आपने देखा नहीं हो तो देखिएगा, वो भी कुछ यही टाइप का कुछ उसमें लॉजिक यूज किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये जो डिजाइन जो है, ये डिजाइन में अपने को कितना भाग पहले अपने को बनाना है, ठीक है। अगर सबसे पहले समझते हैं ये तरीके से, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है और करने में वही बेसिक कमांड जो रेगुलर कमांड जो यूज हो रही है वही कमांड इसमें यूज होने वाली है, ठीक है। अब सपोज इसको अगर अपन करते हैं, ठीक है, कॉपी होगा ये तरीके से, ये कॉपी होने वाला है लेकिन ये भाग जो है वो बच जाएगा। अपने को क्या करना है, इतना एरिया बनाओ कि ऑलमोस्ट एक ही भाग में पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बनाना है इसमें ये, ठीक है। अब ये तो मैंने डायरेक्टली मेरे हिसाब से बता दिया, लेकिन जब मैं खुद जब सीख रहा था तो ये डिजाइन बनाने के लिए मेरे को भी टाइम लगा था, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं आया कि ये इतना बनाया और कॉपी हो गया, पहले कुछ अलग अलग तरीके से बना के देखे होंगे, ठीक है। जब आप ये टाइप की इमेज पे 2 बार 3 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये जो डिजाइन जो वो 3 4 तरीकों से नहीं बनती, उसके लिए एक अलग तरीका आपने को यूज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि डिजाइन बनेगी नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वो डिजाइन को कंप्लीट करके खड़े होते हो या उसको छोड़ के खड़े होते हैं। अगर हाँ, ये डिजाइन को अगर आपने छोड़ दिया तो सॉफ्टवेयर में जो है आपका जो पकड़ जो है वो इतना नहीं रहेगा जितना दूसरों का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि किस तरीके से अपन इसको डिजाइन को अपन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को बनाना है ये, तो एक सर्कल मैंने लिया, इसको थोड़ा लाइट कर दो। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं अपने को इमेज के ऊपर ही बनाना है, इमेज से उधर उधर थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो चलेगा, वहां पे अपने को इतना नहीं ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, वो एज इट इज जैसा इमेज है उसके ऊपर ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आपका जो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होता है इमेज को ऊपर, सपोज अगर कुछ तिरछी इमेज आ गई तो वहां पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने को जो है ना, अपने कंसेप्ट जो है उनको बिल्डअप करना है, ठीक है। तो एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। और हाँ, ध्यान रखिए कुछ भी बनाओ विदाउट रेफरेंस अपने को नहीं जाना। अगर रेफरेंस के बिना आप काम करने जाओगे, ठीक है, तो डिजाइन में गैप आएगा।
और गैप जो है ठीक है वो फिल करने में फिर अपने को लग जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा सेंटर लाइन बना दो। अब लाइन को अपन सेंटर में लेना है तो सबसे पहले लाइन सेलेक्ट की, फिर सर्कल सेलेक्ट किया ठीक है, और फिर यहाँ पे है ये वर्टिकल। सेम इज लाइन सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट और ये है हॉरिजॉन्टल ठीक है। तो ये इतना अपन ने ये हो गया है ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो गैप जो दिख रहा है ये गैप कितना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस हैं ठीक है, अपने को यहाँ पे देखना है नीचे से दूसरा नंबर एक्स एंड वाई डिस्टेंस ठीक है। एक्स एंड वाई डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये अपने को प्रॉपर डायमेंशन बता रहा है कि एक्स कितना है, विड्थ कितना है ठीक है। तो अभी 8.9 आ रहा है ठीक है, इसका मतलब क्या है 9 mm जो है उसको राउंड फिगर ले लो। तो इसको ऑफसेट कर देते हैं 4.5 बोथ साइड, सेम एज 4.5 बोथ साइड। देखो ये हो गया इतना ठीक है। अब अगर ऐसी कुछ डिजाइन जो है ठीक है तो उसका केवल 25% भाग बना, फिर जितना हो सके डिजाइन को मिरर करने की कोशिश करो, कॉपी करने की कोशिश करो, तो वो जो है परफेक्ट आएगा। तो देखो मैंने जो भी आगे वाला जो भी हिस्सा था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 25% एक भाग जब पूरा हो जाएगा फिर उसको अपन करेंगे कंटिन्यूस कॉपी। तो अब यहाँ पे एक लाइन बना के ठीक एक लाइन बनाया, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ये लाइन को अपन ने सेलेक्ट किया ठीक है। अब अपने को करना है सेंटर, जॉइंट बंद रखिए। तो ये देखो अभी हो गया सेंटर ठीक है। ये कर्व बनाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि अपने को सेम डायमेंशन में काम करना है, तब डिजाइन जब बनेगा तब पूरा परफेक्ट बनेगा ठीक है। अब ये होने के बाद में अपने को जो है ये क्लिक किया, ये क्लिक किया ठीक है, और अपन ने एक क्लिक किया इधर। तो एक्स का डायमेंशन अभी जो आ रहा है ठीक है वो आ रहा है करीब 52 आ रहा है। अब ये क्यों करना है इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि एक आर्क बनाने, देखो अपन 25% भाग बना रहे हैं ठीक है, इतना भाग बना बनाने के बाद में अपने को मिरर करना है और फिर ये जब कॉपी होगा ना तो 0-0 कॉपी होगा ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन करते हैं 52, सॉरी लाइन को मैंने किया अच्छा 52, ये 52 हो गया और एक 52 हो गया ये ठीक है। अब ये कितना है इसको अपने को मेजर करना है, तो यहाँ से ये है कितना है 21 पॉइंट ठीक है, 21 आ रहा है, तो इसको ऑफसेट करते हैं 21 mm, ये किया 21 ठीक है। अब ये अंदर की साइड में कितना है तो ये गैप अपन देखते हैं, और ये है यहाँ पे 25 ठीक है, इसको करते हैं अपन ऑफसेट 25 ठीक है। अब जो लाइन अपने काम के नहीं है वो लाइन को हटा देते हैं, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया ठीक है। अब ये लाइन का काम नहीं, इसको हटा दो। अब इसको जो है ये अपन ने कट किया और इधर कट किया ठीक है। अब इनकी ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है ठीक है। अब इनको कर दो जॉइंट, J4 जॉइंट। देखो ये इतना हो गया क्लियर ठीक है। अब अपने को करना है मिरर, और मिरर करने के बाद में अपने को करना है ब्लॉक, और ये हो गया अपना डिज़ाइन कंप्लीट। तो ये तरीके से अपने को माइंड सेट इसमें लगाना है कि कौन सा एक पार्ट जो है वो बनेगा, एक पार्ट में भी अपने को उसका 25% बनाना है ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं मिरर, ज्वाइन कर दो क्योंकि वैसा भी ज्वाइन करना ही है ये अब ठीक है। तो ये देखो ये ब्लॉक तैयार हो गया, अपने को केवल ये एक ब्लॉक बनाना है। ये ब्लॉक बनाने के बाद में कंटिन्यूस कॉपी करते हैं। तो ब्लॉक में गए, गैप्स 0-0 देना, 0 क्यों देना है क्योंकि देखो ये जो है ऐसा का ऐसा कॉपी होके इधर आने वाला है ठीक है। तो गैप दोनों के बीच में नहीं है, अगर ये लाइन नहीं होती तो अपने को गैप देना पड़ता ये वाला ठीक है ना। तो
यहाँ पे जो है डायरेक्शन अपने ये दिया। अब यहाँ पे एक्स में 0 तो सेम है, वाई में भी ऑब्वियसली 0 ही होगा क्योंकि डिज़ाइन जो है पूरा स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ कॉपी अपन कर देते हैं, जितने अपने को कॉपी करना है उतने कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिया 5, ये लिया अपन ने 10 और ये किया F। तो देखो ये तैयार हो गई अपनी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन अपनी तैयार हो गई। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अपन J4 ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन J4 ज्वाइन, J J की है। ठीक है, J दबाने से ये फॉर्मेट ओपन होता है और ज्वाइन करने से ये जो हो जाएंगे ज्वाइन। ठीक है, अब इसको जो है इसको एक नए पेज में ले जाके अपन कर देते हैं कॉपी पेस्ट, कट ये कॉपी। ठीक है, अब आर्टकैम का एक नया पेज ओपन करते हैं अपन। ये किसके लिए? क्योंकि अपने को फाइनल अपना साइज सेट करना है। ठीक है, कस्टमर को डिज़ाइन अपने को इमेज भेजनी है कलर कलर फिल करके। ठीक है, तो उसके लिए एक साइज अपन बनाते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पे साइज? ठीक है, 1500 बाय, ठीक है, रैंडमली अपन ने एक ये साइज लिया। अब ठीक है, ये डिज़ाइन अपन ने पेस्ट की। ठीक है, डिज़ाइन को कर दीजिए ग्रुप कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको ले लीजिए सेंटर में ले लीजिए। अब इसके बाद में अपने को करना है, ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि इसमें अपने को जो एक जो ये जो डिज़ाइन जो है, ठीक है, इसका ब्लॉक अगर अपने को छोटे करने हो तो डिज़ाइन को थोड़ा यहाँ से छोटा कर दीजिए। ठीक है, डिज़ाइन को अगर छोटा करना हो तो अपन यहाँ से अपन छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अपने को एक साइज़ बनानी है, जैसे कि ये एक रैंडम ये साइज़ होगी। ठीक है, अब बॉर्डर के लिए थोड़ी जितना भी 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जितना भी अपना जो बॉर्डर का जो है, ठीक है, वो अपन ने यहाँ से छोड़ा ऑफसेट किया उसको। ठीक है, अब सबको सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो लाइन को सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में अंदर वाला अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर अपने को करना है इनसाइड ट्रिम और ये क्लिप, ये कट होने के बाद में ये जो है, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। तो ये तरीके से अपना जो है एक डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तरीके से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं, एक नए पेज में जाते हैं। ठीक है, न्यू मॉडल, यहाँ पे विड्थ अपन लेते हैं थोड़ी बड़ी, ये अपन ने लिया। ठीक है, अब यहाँ से कर देते हैं इसको ग्रुप, ग्रुप करने के बाद में इसको लो ऐसे सेंटर में। ठीक है, अब डिजाइन का साइज अपने को छोटा बड़ा करना हो, ठीक है, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, जैसे कि ये राउंड फिगर में अपने डिजाइन को जो है थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अब साइज, ये साइज अपन ले लेते हैं, ठीक है, अब सेट अपने को जैसे कि जितना लेना हो 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच, ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको ऑफसेट ले सकते हैं। ये अपन ने ऑफसेट लिया। ठीक है, अब ये लाइन सेलेक्ट की, ये सब सेलेक्ट किया। ठीक है, और इधर कमांड है इनसाइड ट्रिम, तो ये देखिए अभी अंदर का सब ट्रिम हो गया है। ठीक है, अब ये लाइन को कर देते हैं अपन डिलीट। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी है, ठीक है, वेक्टर जो है सब क्लोज होने चाहिए, अगर कोई वेक्टर ओपन है तो टूल पाथ कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये टाइप के डिज़ाइन में अपने को ये ध्यान रखना है। अभी इसमें अपने को क्या करना है, जैसे कि कलर फिल करना हो
तो लास्ट दो तीन डिजाइन्स मैं आपको 2D की डिजाइन से बता ही रहा हूँ कि कलर फिल करना हो तो क्या करना है, ठीक है। तो आज वापस मैं आपको बताता हूँ, ये किया, अब इसको करते हैं ओके। अब अपने को करना है फ्लड फिल, ठीक है। तो ये तरीके से क्या है, कलर फिल हो गया, ठीक है। तो जाली की जो डिजाइन जो है ना, वो अपने को बनाना है कुछ ये तरीके से। डिजाइन कहीं से भी मेजर कीजिए, वो अपने को एकदम परफेक्ट ही दिखेगी, क्योंकि अपन ने जो काम जो किया था वो कैसा, एकदम सेंटर वाइज किया था, रेफरेंस वाइज किया था। अगर डिजाइन अगर आप प्रॉपर रेफरेंस से बनाते हो ना, तो उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो जो था, ठीक है, वो जाली से रिलेटेड था, और ये टाइप के और भी नए कंसेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और फिलहाल जो अभी जो ये जो वीडियो जो चल रहा है, ठीक है, तो वो एक मैं एक थोड़ा स्टेज वाइज चलना चाहता हूँ कि 2D के जितने भी जो कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो बता सकूँ। उसके बाद में 3D में भी मैं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद में टूल पाथ के भी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा कि आप प्रॉपर चीज़ों को समझ सको, ठीक है। तो ये टाइप के वीडियोस देखने के लिए 3D शिक्षा जो चैनल जो है यूट्यूब का, ठीक है, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड अपने को किसी भी डिटेल की अगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कभी भी नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, और भी नए वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।